अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के मामलों को लेकर बसपा और कई दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट और सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस बाजार भी बंद कराया और प्रदर्शनकारियों ने एक मालगाड़ी भी रोकी। पूरे दिन अफरा तफरी मची रही। अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी प्रदर्शन हुआ। इस मामले को लेकर दलित संगठनों ने इलाहाबाद के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। वहीं दलित संगठन से जुड़े हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रयाग स्टेशन पर कई घंटे तक मालगाड़ी रोक रखी। इससे कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो गया और यात्रियों की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं सिविल लाइंस और कटरा में दुकानें बंद कराने को लेकर प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों में हल्की झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कलेक्ट्रेट में दिन भर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहा। उन्होंने SC ST एक्ट में हुए परिवर्तन के दलितों को कमजोर करने की साजिश करार दिया। कहा कि इससे समाज के दबंगों का मनोबल बढ़ेगा। दलितों के साथ अन्याय में साजिश करार दिया। कहा कि इससे समाज के दबंगों का मनोबल बढ़ेगा, दलितों के साथ न्याय में वृद्धि होगी और वे कमजोर होंगे। ऐसे में उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। वहीं जिला प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। SSP और SP सिटी पुलिस फोर्स के साथ कलेक्ट्रेट से मिलकर सिविल लाइंस तक भ्रमण करते रहे। साथ में प्रदर्शनकारियों से यह अपील भी की जाती रही कि कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले। हालांकि कई स्थानों में पुलिस पर भी हल्की झड़प हुई है। वहीं व्यापारियों और प्रदर्शनकारियों पर दबंगों का आरोप लगाया कि उनका प्रतिष्ठान बंद कराकर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सुबह से इनका प्रदर्शन चल रहा था, सफल हो गया और इसमें कई ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट आज इस दिन के लिए इन्होंने स्टेशन पर आए थे, ट्रैक पर बैठे रहे, जिनको समझा बुझा कर वहाँ से उठा दिया गया। सर, यहाँ के अलावा दूसरी जगह भी ट्रेन रोका है इन लोगों ने क्या? यहाँ पर अभी सूचना जैसे हम लोगों को प्राप्त हुई थी, तत्काल हम लोगों ने इनको फॉलोअप किया है और ये लोग पूरे शहर में जहाँ जा रहे हैं, साथ में पुलिस प्रशासन पूरा साथ में रहा है। साथ कहीं ऐसी कोई सूचना प्राप्त फिलहाल नहीं हुई। यहाँ पर गए हैं, शांतिपूर्वक धन का धरना था और हम लोगों ने इनको शांतिपूर्वक समझा बुझा के धरना सौंप दिया। कई जगह देखने को मिला है कि जबरन दुकान बंद करा रहे थे और दुकानदार उनमें झड़प भी देखने को मिली। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई बात हुई, संज्ञान में नहीं है ऐसी कोई, क्योंकि लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग इनके साथ इनके फॉलोअप में थे। हम लोग शुरू से ही इनको फॉलोअप कर रहे हैं और ऐसी कहीं कोई घटना संज्ञान में भी नहीं आई हमारे साथ। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा।